नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को पहली मर्तबा इतना गुस्से में देखा। उनका कहना है कि निजाम में लापरवाही को लेकर के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी, उन्होंने पनबिजली परियोजनाओं का हवाला देते होगा, उन्होंने कहा कुछ ऐसी परियोजनाएं जो पिछले 15 सालों में मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी उनका उद्घाटन हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सीधे सीधे चेतावनी देता हूं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के दबाव के अंदर नहीं आने वाला। दर्शकों, इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने किश्तवाड़ में जो बादल फटा है उसको बड़ा दुखद बताया और कहा कि उन परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। 5-5 लाख की वो पहले से ही घोषणा कर चुके हैं, और जो दिक्कतें कल खराब मौसम के चलते आई उनका भी उन्होंने हवाला दिया। वो खुद जाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त एडीजी मुकेश सिंह ने कमान संभाली हुई है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और लापता लोगों को भी तलाश किया जा। संभव कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है सबसे आवश्यक रेस्क्यू ऑपरेशन था, और कल रात को पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था, बारिश भी हो रही थी, बावजूद उसके कई लोग बचाए जा सके हैं। जो क्रिटिकल हैं उनके इलाज का इंतजाम किया गया है और सुबह से काम जारी है। मैंने जैसा कहा कि हमारी पूरी संवेदना है उन परिवारों के साथ, और जो भी प्रशासन कर सकता है जो तात्कालिक मदद की हो वो कल मैंने घोषणा कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा कि किसी के परिवार का कोई स्वजन चला जाए तो उसका कोई मुआवजा नहीं होता है। संवेदनशील ढंग से हम कोशिश करेंगे कि इन परिवारों को पुनर्स्थापित करने का हर संभव प्रयास। दर्शकों, अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई उसके बाद कश्मीर पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों दक्षिणी कश्मीर में है। चारों जिलों में जगह जगह जाकर के जनसभाएं की जा रही हैं और खास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि अपना जनाधार कश्मीर में भी बनाया जाए। अगर रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना का भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बिना प्रीपोल अलायंस के वो इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री रविंद्र रैना जी। आज आप जाते हो किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम मिलेगा आपको, कहीं ने दिखेगा आपको। और उस प्रकार से जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और इन असेंबली के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिले, लोगों के साथ जस्टिस हो। और इसलिए पूरे वादी कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी बड़ी मीटिंगें और रैलीज कर रही है। आज दक्षिण कश्मीर के शोपियान, जो आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र रहा है, यहां पिछले 30-35 वर्षों में आतंकवाद ने कहर ढाया, इस शोपियान जैसे क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। मुझको अनंतनाग से हमारे सीनियर सहयोगी फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और दक्षिणी कश्मीर में पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए विनोद, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं पे अपनी अपना जनादर जो है उसको ढूंढने के लिए वो निकली है, उसी के चलते देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री रविंद्र रैना और जो पार्टी के संगठन मंत्री है अशोक कोल, वो मिशन कश्मीर पर निकले हैं। मिशन कश्मीर पर सबसे पहले उनकी नजर दक्षिण कश्मीर पर पड़ी है और दक्षिण कश्मीर का उन्होंने अपना दौरा जो है वो आज समाप्त किया है। सबसे पहले वो पहलगाम गए, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिन भर जो है मंथन किया, उसके बाद अनंतनाग में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन की, उसके बाद पुलवामा पहुंचे, पुलवामा के बाद वो आज शोपियान पहुंचे और शोपियान जाके जहां पर रविंद्र रैना और अशोक कोल का भव्य स्वागत किया गया वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन यहां पर एक चीज जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी इलेक्शन के लिए कोई डेट जो है उसका ऐलान नहीं किया गया, कोई अभी ये नहीं कहा गया कि चुनाव है आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो रविंद्र रैना है वो इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि चुनाव जब भी हो तो कहीं ना कहीं पे उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उनको यहाँ पर जीत जो है वो सुनिश्चित है। और जहाँ जम्मू में भाजपा काफी मजबूत नजर आ रही है, ये खुद रविंद्र रैना कह रहे हैं, वही अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे, देखिए डीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव में जो भी परिणाम सामने आए वो सभी के सामने थे। लेकिन अगर दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे तो पार्टी जो है, पार्टी का जो अगर हम तीन क्षेत्रों की बात करेंगे, देखिए दक्षिण कश्मीर में अगर हम विशु गुलाट की बात करेंगे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो जो उनके नुमाइंदे थे वो कुछ वोटों से हारे वहां पे, जो रफीक वानी जो पार्टी के थे, अल्ताफ ठाकुर की बात करेंगे जो प्रवक्ता थे पार्टी के, जो डारसरू से उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से वो हार गए। वही अगर मेन ब्लॉक की बात करें, जहाँ पर जावेद कादरी जो है वो भी कुछ ही वोटों से वहां पर हार गए, तो उसका इशारा ये भी है कि पार्टी जो है उसको देख के कहीं ना कहीं पे इस चीज को यहाँ पर तलाशती हुई नजर आ रही है कि अगर हमें
यहाँ पर जो जमीन है उसमें अगर हमें पानी डालना है, उसमें अगर हमें जो यहाँ पर लोग हैं उनको सामने लाना है, पार्टी की और मजबूती करनी है, तो अशोक गोल बार बार ये कहते हैं कि आपको ब्लॉक सत्र पे आपको यहाँ पर संगठन को सबसे पहले मजबूत करना है। और ये एक बड़ा जो ऐलान है, और कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि जो भी इनके यहाँ पर जो मीटिंगें हुई है उन मीटिंगों में यही कहा गया कि संगठन को मजबूत करना है। अगर संगठन मजबूत होता है तो तभी हम यहाँ पर सीटें जीत सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि गठबंधन जो है, भाजपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, भाजपा अकेले अपने बल पर सरकार बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला से बातचीत की, उनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। वेल दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो केव के पास, अमरनाथ केव के पास क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उसका अनंतनाग जिले पे कोई असर तो नहीं पड़ा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो केव के पास ऊपर वाले इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसके कारण कल आफ्टरनून में थोड़ा सा पानी, काफ़ी हैवी वॉल्यूम का वाटर, गश ऑफ वाटर जिसे हम कहेंगे, वो वहाँ केव के पास वाले एरिया में आया, और कुछ जो टेम्परेरी शेड्स वगैरह थे और कुछ शेल्टर शेड्स थे उनको उसमें स्ट्राइक किया, पर किसी तरह का जान माल का नुकसान और नहीं हुआ है। और वो पानी कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रिसीड भी हो गया, और अपने साथ वो पत्थर और स्लश लाया था। पूरे ज़िले में भी किसी तरह की और कोई ऐसी दुर्घटना या देखने को नहीं आई है, और क्योंकि ओवरऑल बारिशों का मौसम है तो जो टीम्स हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की, जॉइंट कंट्रोल टीम्स, वो हमारी बनी हुई हैं और देख रहे हैं। मैं एक चीज़ फिर बताना चाहूँगा, केव को किसी तरह का कोई नुकसान और नहीं हुआ है, कोई मुलाजिम को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स और 10th SDRF की टीम्स हमारी वहीं पर हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, सबकी मदद से जो भी व्यवस्था को थोड़ा नुकसान पहुँचा नीचे वाले टेंट्स और उनको ठीक कर किया जा रहा है, और किसी तरह का कोई भी इशू ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी अलर्ट पर रखा गया है, मेट डिपार्टमेंट, सोनम लोटस से हमारी बातचीत हुई थी, तो क्या आप भी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि 30 तक बताया जा रहा है, कल तक बताया जा रहा है बारिश? देखिए, बारिशें हर जगह हो रही हैं, तो डेफिनेटली पूरी टीम्स नीचे अलर्ट पे हैं। SDM के अंडर जो जॉइंट कंट्रोल टीम्स बनी हुई हैं, जिसमें लोकल पुलिस इंचार्ज, फ्लड कंट्रोल की टीम, रेस्क्यू टीम्स, SDRF की टीम्स, ये जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे तैनात हैं, और जिस जगह पे तो इस तरह की पॉपुलेशन है जिसको इमिडिएटली शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है, हम उनको शिफ्ट करवा चुके हैं। हर 2 hours के बाद रिव्यू लिया जाता है, पर अभी कल रात बारिश जरूर रही, मॉर्निंग में भी हुई, पर आज क्लियर है, तो सिचुएशन को देख रहे हैं, अलर्टनेस पे है क्योंकि बारिशों का मौसम है, पर टीम्स पूरा तैयारी हमने की हुई है। हम वेव थर्ड की बात करते हैं डॉक्टर साहब, वेव थर्ड को लेकर के प्रधानमंत्री भी बार बार आगाह कर रहे हैं कि अभी आप ये मत सोचिए कि केसेस कम हुए हैं तो आप लापरवाही करेंगे, और खुद WHO भी बार बार ये कह रहे हैं। हमने अपने जिले में किस तरह की तैयारी रखी है अगर वेव 3 आता है तो? देखिए, कोविड का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, तो जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी आगे का उन्होंने बताया है, उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी रखनी है। तो ज़िले में भी खास तौर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट को लेकर हमारी कोशिश जारी है, उसके लिए इन्फोर्समेंट टीम्स जगह जगह बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत कोविड सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, जो ऑनरेबल SG साहब की डायरेक्शन के बाद उसको हर पंचायत तक पहुंचाया गया। जी, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त सख्ती करने की जरूरत है? क्योंकि जब केसेस कम आना शुरू हो जाते हैं, लापरवाही दोनों तरफ से शुरू हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ग्रिल करने की जरूरत है इनको? देखिए, हमारी कोशिश है, हम लोगों तक बहुत सारा मैसिव अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई, सभी डिपार्टमेंट्स को रोप इन करते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से छोटे छोटे कार्यक्रम किए गए, लोगों को बताया गया कि किस कितना इम्पॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट को हम को इन्फोर्स किया जा रहा है, लोगों को फाइन किए जा रहे हैं जो नहीं पहन रहे हैं,
तो फिर मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम यही चाहती है कि हम इसका जितना हमारे लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं या लोकल्स हैं, वो इसका पालन करें ताकि हम अपनी अगली वेव को बचा पाएं। डॉक्टर साहब, अक्सर आपने देखा, अभी आपने शुरुआत में ही कहा था कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा की डायरेक्शन पर हमने पंचायत लेवल पर भी सेंटर बनाए, लेकिन वो मात्र औपचारिकताएं, वहाँ पे कुछ भी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हमने बहुत सारी स्टोरीज भी की थी, उन पंचायतों में जो सेंटर्स बन रहे हैं 3 बेडेड्स, उनको और भी बेहतर बनाया जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ ये सिर्फ औपचारिकता है, इसमें जो भी सेंटर्स बने हैं उसमें एक प्रॉपर लिंकेज सिस्टम बनाया गया है, और ये एक तैयारी का एक पहलू है। इसमें अगर पंचायत लेवल पे अगर फैसिलिटी देखें, अभी हम इस सिचुएशन में हैं जब हमारे पास केसेस नहीं हैं, जब केसेस बहुत ज़्यादा थे और केसेस तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे, तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है इन सेंटर्स की। ग्राउंड लेवल जो लोग अगर दूर दराज के इलाके हम देखें, तो उनके पास अगर उनकी पंचायत में लोकल एक सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी फैसिलिटी तो नहीं होगी, पर एक रेफरल फैसिलिटी, बेसिक दवाइयाँ वहाँ पे, और जो एक ऑन कॉल डॉक्टर की फैसिलिटी, वो सब मौजूद है। डॉक्टर सिंगला, आपको लगता है कि जो पंचायत हैं, पंच सरपंचेस हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जागरूकता में, अवेयरनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या? उनको उनसे अवेयरनेस में हेल्प मिल रही है आपको, या कुछ आप ऐसा डायरेक्शन जारी करेंगे कि वो अपनी अपनी पंचायत में लोगों को अवेयर करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू किया जाए या अपनाया जाए? पंचायत का और PRI मेंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं ये कहना खासतौर पर इस पर जोर देना चाहूँगा कि अभी तक सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स है, चाहे वो BDCs हों, DDCs हों, उन्होंने नीचे सरपंच साहिबान हों, उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा इस पूरे कोविड के जो पुरानी वेव थी, मैंने पहले भी देखा है और रीसेंट कोविड वेव में भी देखा है कि किस तरीके से जब पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना होता है तो हमारे PRIs का इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं। तो हर पंचायत लेवल पे हेल्थ क्लब्स बनाए गए थे उस टाइम पे, जिसमें वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन, टीचर्स, कुछ और मुलाजिम, उनको इन्वॉल्व करके PRIs के थ्रू अवेयरनेस सेशंस करवाए गए थे, तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा। पर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको हमें आगे तक लेकर जाना है, और इनको कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व करके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका मैसेज लोगों तक पहुँचा। डॉक्टर सिंगला, वैक्सीनेशन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट किस पोजिशन में है? ऑलरेडी हमारी 45 प्लस अगर हम कहें तो हमारी 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो ज़िले ने दूर दराज के इलाकों तक पहुँच के उसको एरियाज को कवर करने की कोशिश की। अनंतनाग में बहुत दूर दराज के इलाके भी थे, जो कुछ हेजिटेशन वगैरह था उसको भी दूर करने की कोशिश की गई। ऑलरेडी हम 100% अचीव कर चुके हैं, और हेल्थ टीम्स ने, सभी डिपार्टमेंट्स की टीम ने, जिसमें जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया, उनका बहुत अहम रोल रहा इस पूरी ड्राइव को 100% कंप्लीट करवाने में। जी, कुछ लोग हेसिटेट करते हैं वैक्सीनेशन लगवाने में, कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं, आपने उनको कैसे कन्विंस किया, आपकी टीम ने उनको कैसे कन्विंस किया? जब आप कहते हैं कि 100% 45 प्लस लगी है, तो कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना पड़ा होगा। देखिए, दुष्प्रचार और जो इस तरीके के लोग हैं जो हर चीज़ को एक नेगेटिव उसमें देखना चाहते हैं, उन तक पहुंचने के लिए एक सीनियर ऑफिसर्स द्वारा, जैसे अगर मैं अनंतनाग की बात करूं तो एक ADC रैंक के ऑफिसर्स को कुछ कुछ एरियाज दिए गए, और वो हेल्थ टीम के साथ, अन्य डिपार्टमेंट के मुलाजमों के साथ वो वहां गए, उन्होंने लोगों से खुद छोटी छोटी बैठकें की, उन्होंने लोगों को समझाया कि जो ये इस तरह का दुष्प्रचार और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं, और कितना वैक्सीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसके महत्व को बताया। लोग स्टार्टिंग में बीच बीच में कुछ हेजिटेशन बीच बीच में आई, पर लोग जनरली इस चीज़ को समझ रहे थे, और उसके बाद उनकी तरफ से लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा, जिसका नतीजे से आज हम 100% तक पहुँचे हैं। पर यस, इसमें अग्रेसिव कंपेन ग्राउंड लेवल पे वहाँ हमारे ऑफिसर्स द्वारा की गई, जिसके बाद हम इस पर सक्सेसफुल। दर्शकों, हमने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत की, सीताराम लांबा से, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है सीताराम लांबा, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। लांबा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेल, 5 अगस्त 2021 को हम 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 370 में संशोधन हुआ,
35A रिपील हुआ। आपके कुछ बड़े नेता दिग्विजय सिंह पत्रकारों से, पाकिस्तानी पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, आपका क्या कहना है? देखिए, बातें कोई किसी के निजी विचार नहीं होते हैं और कई बार रखते भी हैं अपने अपने निजी विचार, पर जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज़ हैं वो हमारा जो आइडियोलॉजी है और किस तरह से हम लोगों को, भारत को, भारत के जो अलग अलग हिस्सों को देखते हैं उससे हमारे आइडियाज़ बनते हैं। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 हटना या लगना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कश्मीर के या जम्मू के लोग चाहते क्या हैं। तो अगर हमारी सरकार आती है तो पहला हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग चाहते हैं हम वो करें, और वही हमने हमेशा किया है। कांग्रेस पार्टी का पहला उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है कि लोगों से सहमति के साथ, किसी के ऊपर कुछ थोपने से या किसी को कुछ बांटने से या कुछ देने से चीज़ें नहीं बदलती, बदलती है लोगों की सहमति से, लोगों से संवाद करने से। तो संवाद करके लोगों की सहमति से जो भी निकलता है, हमारे निश्चित तौर पर सरकारें आएंगी तो जो लोग चाहते हैं वो हम लोग करेंगे। लाबा साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली में भी हुकूमत में रहे, जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत में रहे, क्या आपको उन लोगों की चाहनी आई जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, इतने लंबे समय से, 7 दशकों से अपनी राइट्स को लेकर के लड़ रहे थे, वाल्मीकि समाज जिनको वोटिंग राइट नहीं था, और भी बहुत सारे, गोरखा बरादरी, बाजगीर बरादरी, आप कहते हैं कि हम लोगों की राय जान करके ही कुछ फैसले करते हैं, कुछ राय बनाते हैं, लेकिन तब आपको याद नहीं आई? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कैसी बातें कर रहे हो। जब देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बनता है, जब देश का संविधान बनता है कि 1947 में मुल्क आज़ाद होता है और 3 साल तक, सिर्फ 1950 तक एक काम होता है कि ये देश किसका होना चाहिए, ये देश में रहने वाले लोगों को एहसास हो कि ये देश उनका घर जैसा है, उसमें हर जाति धर्म, हर चाहे वो दलित है, आदिवासी है, चाहे वो किसी भी तबके का, चाहे औरत है, आदमी है, किन्नर है, हर एक किसी इंसान को ये हक दिया गया कि ये देश उनका है और एक वोट का एक समान अधिकार दिया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को एक्सक्लूड किया गया कि इस फलाने आदमी को कि ये वोट का अधिकार था या नहीं था। तो मैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता आप कैसी बातें कर रहे हैं, पर मुझे ये पता है कि भारत का संविधान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी, और जिसमें 300 लोग लगभग आदमी और औरत थे, जो हर जाति धर्म के लोग थे, उन्होंने मिलकर एक संविधान बनाया जिसमें हर एक इंसान को बराबरी का हक दिया। तो ये चीज़ जो आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो है। हो सकता है, हो सकता है कि आज़ादी का फल मिलने में, क्योंकि भारत एक नया मुल्क था और लोगों तक पहुंचने में एक बहुत बार दिक्कतें आती हैं, बहुत समय लग जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ये नहीं कह सकते कि हमारी चाह नहीं थी या हम चाहते नहीं थे, हमने दिया है। हम लोगों को आज भी उस चीज़ पर जो खड़ा किया, मैंने जो अभी आपसे, आपका पहला सवाल था उस पर भी इसीलिए कहा कि लोगों की सहमति और लोगों की आवाज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लोगों की आवाज़, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या अपने किसी जाति विशेष के नाम लिए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान एक्सक्लूड है। लामा साहब, आल पार्टी मीट हुई थी, उस पार्टी में, उस मीट में ये कहा गया था, कांग्रेस का ये पक्ष था कि पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और उसके बाद इसमें इलेक्शन करवाया जाए, आपकी क्या राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सबसे पहले देश आज़ाद हुआ, जो 16 राज्य बने उनमें भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, उसको तोड़कर आज इतने टुकड़ों में बांटकर लोगों को बांटने का, उनको धर्म के नाम पर बांट दिए, कश्मीर को कश्मीर की बात कर रहे हो, जम्मू में हिंदू की बात कर रहे हो। अब ये देखो कौन लोग हैं ये सत्ता में जो ऐसी बातें करके उल्टा तोड़ने का काम कर रहे हैं, जब एक जो रियासत है, एक राज्य है, जो मिलकर हिंदू और मुसलमान, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख मिलकर एक दूसरे को बनाने की सपना देखते हैं, जो भारत की बात करते हो, उसको आप बांटने की बात कर रहे हो, उसको तोड़ने की बात आप कर रहे हो, उसको यूटी आपने बना दिया। मैं तो कल आया एयरपोर्ट पे, देखा, मैं मतलब हैरान हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज रहा, इतना सब कुछ अच्छा और इसको आपने तोड़कर ऐसा बदसूरत सा बना दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, जायज़ है, अगर कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि वापस हमें वैसा ही हमारा जम्मू कश्मीर चाहिए जिसमें लोग एक हों, जिसमें कोई कश्मीरियत और कोई जम्मू की अलग बात करने वाला या लद्दाख की अलग बात करने, लोग एक होने से देश और समाज और राज्य का विकास होता है, तोड़ने से, बिखराव से परिवार ही बिखर जाते हैं। ये तो राज्य की बात कर रहे हैं।
जी लामा साहब, यूथ के लिए क्या रोड मैप है आपका, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? थोड़ा इनोयड भी है जम्मू कश्मीर का यूथ, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का यूथ जो चाहता है, वो चाहता है कि उनकी लैंड और जॉब जो है प्रोटेक्ट रहना चाहिए, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके हक हकूक को मिले। आप ये समझाओ कि किस क्या इन्होंने जो ये किया है, किस तरह से धारा 370 और 35 ए की लोग बात करते हैं, हर चीज़ इन्होंने देश को दिखाने, दुनिया को छलावा करने के लिए इन्होंने सब कुछ कर दिया। कानून सारे वैसे के वैसे एक एक करके वापस बना रहे हैं, क्योंकि लोगों के सेंटे, आप ये हमेशा सोच देख लो, आप जब तक पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे ना उतर जाए, तब तक वो लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। जी लामा साहब, आप राइट्स की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, यूथ के राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में DDC इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस को इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी को मिली। अभी भी वो पॉपुलर है भारतीय जनता पार्टी यूथ के लिए? आप समझो कि आप लोगों को कितना बांट सकते हो, आप डिलिमिटेशन वैसा कर रहे हो, आप हर चीज़ वैसी कर रहे हो, आप दिखाने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, कौन वोट करने आ रहा है कौन वोट करने नहीं जा रहा है, आप लिस्ट बना रहे हो किसके वोट डलने चाहिए, किसके वोट कितने डलने नहीं डलने चाहिए। अगर इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आप चुनाव कराते हो और फिर ये कहते हो हम जीत रहे हैं, तो वक्त तय करेगा, वो वक्त तय करेगा, कोई बात नहीं। एक चुनाव ये फैसला नहीं करता कि भारत के लोग क्या चाह रहे हैं, एक चुनाव से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। चुनाव ये लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की, कि हर किसी को मौका देकर देखते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, लोगों ने सोचा पता नहीं क्या क्या सपने दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मौका देना इस देश के लोकतंत्र की, जिस लोकतंत्र को मैंने अभी कहा, इस लोकतंत्र को गांधी ने, नेहरू ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपने खून से सींचा है। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ने इन लोगों को मौका दिया है। बाकी जिस दिन ये देश की जनता चाहेगी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन टिकेंगे। लामा साहब, आपका राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, ग्राफ कांग्रेस का लगातार क्यों बढ़ रहा है, गिर रहा है? आपका काफी अनुभव है राजनीति का। आप सिर्फ चुनावी राजनीति को इसका हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं, तो आप मान सकते हो और सही कह रहे हो कि लोकतंत्र में ये इसका गिर रहा है या चढ़ रहा है, तो चीज़ें हमेशा बनती रहती है। लोकतंत्र, जैसे मैंने कहा कि इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो लोगों को मौका दे के देखना चाहते हैं। इस देश के लोकतंत्र को हज़ारों बार से, और पिछले 10 साल से तो सारे एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिए, चाहे वो धार्मिक तौर पर उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो, चाहे लोगों को डरा धमका कर लोगों को लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का, जैसे अपने बंगाल में देखा कि कोविड के बावजूद इतने फेजेस में चुनाव किए, ताकि अपना सारा चाम धाम ऐसा बॉडी सब कुछ घोड़ा गाड़ी सब लगा दें, पर फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आप लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि आज उतने रिसोर्सेज और वो चीज़ें ना हो। और जहाँ तक आपने ग्राफ गिरने की बात की है, आप आने वाला वक्त तय करेगा कि कितना ग्राफ गिरता है, पर हम लोग चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर भी हर दिन इस देश के लोगों के लिए लड़ते हैं, और अकेली पार्टी है इस देश में जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक लड़ती है, खड़ी रहती है, लोगों के साथ खड़ी है, उनके हर एक मुद्दों पर, हर एक छोटे से उनके घर के मुद्दे से लेकर उसके राज्य और देश के मुद्दे तक कांग्रेस के अलावा कोई आवाज़ नहीं है। तो संसदीय लोग, लामा साहब आपने इस जवाब में 7 मरतबा डेमोक्रेसी का जिक्र किया, लोकतंत्र का जिक्र किया, क्या विद इन पार्टी डेमोक्रेसी है कांग्रेस में? मैं समझता हूँ कांग्रेस के अलावा कहीं डेमोक्रेसी है ही नहीं, कांग्रेस के अलावा डेमोक्रेसी है ही नहीं। हर राज्य में हर एक नेता को अपनी बात कहने का, सुनने का जितना हक कांग्रेस पार्टी में है, किसी में नहीं है। लोग चले गए कांग्रेस में बातें कर करके, आप उनसे पूछो जो लोग गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो यहाँ जो बात कह सकते थे आज भारतीय जनता पार्टी में कह सकते हैं क्या? जो लोग चले गए आपके यहाँ जम्मू में भी बहुत सारे लोग चले गए, आप उनको पूछो ना, टीवी में नहीं दिखते हैं, अखबार में जो रोज फोटो छपते थे, टीवी में आप लोग रोज बात करते थे, ऊपर की बात करते थे, नीचे की बात करते थे, जिस दिन से गए हैं उस दिन से उनकी शक्ल देखना लोग। मैं अभी जम्मू कश्मीर का इंचार्ज रहा हूँ, मैं पूछ रहा था लोगों से, यार फलां चला गया, कहाँ है वो आजकल? कहते साहब हमें नहीं पता, यहाँ रोज दिखते थे। तो डेमोक्रेसी अगर कांग्रेस में नहीं है तो कहीं है ही नहीं। जी आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि सरकार एजेंसीज का मिसयूज कर रही है? तो हमसे बेहतर आप जान सकते हो, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टूल के रूप में, पॉलिटिकल वेंडेटा,
और अपनी सत्ता और सरकार को कायम रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर किसी पर आज देश का के लोगों का जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनसे भरोसा उठता जा रहा है। लोग समझते हैं यार ये उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो आप ये चीज़ें तो हर एक इंसान, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, इस देश के हर एक नागरिक जो जिम्मेदार नागरिक है जिसकी आंखें खुली है उसको पता है कि इस देश में क्या हो। लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।